वो देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे नरेंद्र मोदी से डरते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुभते हैं। उन्हें इस बात की शिकायत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे देश के 15 राज्यों में बीजेपी की सत्ता स्थापित कर दी। ये वो लोग हैं जो खुद को कॉमरेड कहकर या कहलवाकर गौरवान्वित महसूस करने वाले लोग हैं, लेकिन ये क्यों प्रधानमंत्री मोदी के दुश्मन बन बैठे हैं। दुश्मनी यहां तक कि वो सोचने लगे कि जिस तरह से राजीव गांधी की हत्या एलटीटी आतंकवादियों ने कराई थी, उसी तरह के हत्याकांड से प्रधानमंत्री मोदी को रास्ते से हटा लिया जाए। ये लोग थे जिन पर आरोप लगे कि महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में जो हिंसा हुई थी उसके लिए जो साजिश थी या जो मंत्रणा थी वो इन लोगों द्वारा की गई थी। देखिए, कल देश के 7 जगहों पर नक्सलियों और नक्सल समर्थकों के खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। 5 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो बड़े शहरों में रह रहे हैं, समाज में प्रतिष्ठित पदों पर बैठे हैं। उन लोगों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 7 जगहों पर कल ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद गौतम नवलखा के साथ साथ कई और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये 5 ऐसे लोग हैं जो समाज में बड़ा ओहदा रखते हैं। वर्णन गुंसाल्विस को आप देख रहे हैं, अलग अलग जगहों पर छापेमारी करके 5 बेहद प्रतिष्ठित, खुद को बुद्धिजीवी कहे जाने वाले लोग, जिनमें बराबर राव भी शामिल हैं, नक्सल समर्थक ये रहे हैं, जिनमें अरुण फरेरा का नाम भी है। कल ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। और हम आपको बता दें कि भीमा कोरेगांव में जो हिंसा हुई और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश, इन दोनों में किसी न किसी स्तर पर इनकी भूमिका की अब जांच होगी। हम आपको बता दें, गिरफ्तारी की वजह यह बताई गई कि इसी साल जून में भीमा कोरेगांव की हिंसा के आरोपी रोना विल्सन के घर से एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में राजीव गांधी की हत्या जैसी प्लानिंग का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की बात लिखी थी। तो मोदी की हत्या की साजिश की चिट्ठी आपके सामने, जिसमें लिखा गया था कि मोदी की अगुवाई में बीजेपी बिहार और बंगाल को छोड़ करीब 15 से ज्यादा राज्यों में सत्ता में आ चुकी है। अगर इसी तरह से यह रफ्तार आगे बढ़ती रही तो माओवादी पार्टी को खतरा हो सकता है, इसीलिए वो सोच रहे हैं कि एक और राजीव गांधी हत्याकांड की तरह घटना की जाए। सिरहन पैदा करने वाली ये चिट्ठी, जिसके बाद इस पूरी साजिश पर से पर्दा उठाने के लिए जांच शुरू की गई। तो मोदी की हत्या की साजिश की चिट्ठी आप देख रहे हैं। अब देखिए, सवाल यह है कि ऐसे लोगों को मोदी क्यों चुभने लगे हैं। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने नक्सली हिंसा पर अपनी विजय की कहानी सुनाई थी। आप मोदी को सुन लेंगे तो समझ जाएंगे कि क्यों मोदी के लिए राजीव गांधी जैसे हत्याकांड की साजिश की तैयारी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कह रहे हैं, सुनते हैं उन्हें। There are certain actions that are being taken at the national level by the government which are undemocratic, and we are fighting that battle. The opposition is united in fighting that battle. There are two different visions of India. One is a centralized vision and the other is a decentralized vision. One respects only one ideology based out of Nagpur, and the other respects all the different states, all the different ideas, all the different cultures, all the different people in this country. So that fight is on, and I assure you that we are fighting that fight. तो आप सुन रहे हैं राहुल गांधी, जो कि बीजेपी और आरएसएस पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, जो पूरा घटनाक्रम हुआ। और जब ये 5 गिरफ्तारियां कल हुई थी, नक्सल समर्थकों की हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां, राहुल गांधी ने ट्वीट करके क्या कहा था, आइए वो भी हम आपको बताते हैं। उससे आप समझ पाएंगे कि इस संवेदनशील मुद्दे पर भी किस तरह की राजनीति हो रही है। हालांकि ये जो पूरा मामला है ये अब भी जांच के घेरे में है। कल 5 बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं, जगह जगह पर छापेमारी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी को ये लोग चुभते क्यों हैं, ये सवाल जरूर है। लेकिन इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं यहां केवल एक एनजीओ के लिए जगह है और वो है आरएसएस, बाकी सभी एनजीओस को बंद कर दो। तो आरएसएस पर सीधा हमला राहुल गांधी का कल जो हुआ उसके बाद। आगे वो कह रहे हैं, सभी एक्टिविस्ट को जेल भेज दो और जो शिकायत करते हैं उन्हें गोली मार दो, नए भारत में आपका स्वागत है। तो राहुल गांधी इसे बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा बताते हुए, खास तौर पर आरएसएस पर हमला बोलते हुए, कि जो भी शिकायत करे, आपसे मतभेद रखे, आपसे अलग विचारधारा रखे, उन्हीं के शब्दों में वो कह रहे हैं कि जो शिकायत करते हैं उन्हें गोली मार दो, नए भारत में आपका स्वागत है। और राहुल गांधी ने हमला बोला इस घटना को लेकर बीजेपी आरएसएस पर, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए दिया जवाब, सुनिए।
देखिए किरण रिजिजू केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ने कहा था कि नक्सली देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए नंबर एक खतरा है। और देखिए अब राहुल गांधी नक्सलियों के सबसे बड़े संगठन और उससे जुड़े लोगों का समर्थन कर रहे हैं, देश की सुरक्षा को राजनीति से ऊपर रखिए। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू जवाब देते हुए राहुल गांधी को और सवाल पूछते हुए कि खुद तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सलियों को दुश्मन नंबर वन कहा था, जब ऐसा कहा था तो आज अगर इस साजिश को लेकर जांच आगे बढ़ रही है, 5 गिरफ्तारियां हुई हैं, तो राहुल गांधी नक्सलियों के सबसे बड़े संगठन और उससे जुड़े लोगों का समर्थन क्यों कर रहे हैं? किरण रिजिजू सलाह दे रहे हैं राहुल गांधी को कि आप देश की सुरक्षा को राजनीति के ऊपर रखिए। और अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान हम आपके सामने रखेंगे जो 15 अगस्त को भी उन्होंने जब अपनी बात रखी थी तो अपनी विजय के रूप में बताया था, और उनका जो ऑपरेशन नक्सली है उसने नक्सलियों को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था उनके बारे में सुनिए। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, माओवाद देश को रक्त से रंजित कर रहा है, आए दिन हिंसा की वारदातें करना, भाग जाना, जंगलों में छिप जाना, लेकिन लगातार हमारे सुरक्षा बलों के प्रयासों के कारण, विकास की नई नई योजनाओं के कारण, जन सामान्य को जोड़ने के प्रयासों के कारण जो लेफ्टविंग एक्सट्रीमिज्म 126 जिलों में मौत के साये में जीने के लिए मजबूर कर रहा था, आज वो कम होकर के करीब करीब 90 जिलों तक आ गया है और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आप बताइए अगर इस तरह से अगर लगातार नक्सलियों पर हमले होंगे, उनका प्रभाव कम होगा, तो सवाल ये कि आखिर मोदी क्यों नहीं चुभेंगे नक्सलियों को। और इस पर अब बीजेपी, जो कांग्रेस पार्टी हमला करे, खासतौर पर राहुल गांधी, बीजेपी और आरएसएस पर सवाल उठा रही है बीजेपी कि ये सहानुभूति राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को नक्सलियों से आखिर क्यों हो गई है। लगातार इस पर वार पलटवार हो रहे हैं, सियासत गर्मा गई है, और ऐसे में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कह रहे हैं, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। भीमा कोरेगांव मामले में लेफ्ट से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद में अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। पुलिस कह रही है सबूत हैं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि इस देश में सिर्फ एक ही एनजीओ चल सकता है, बाकी सभी अगर कोई भी आवाज उठाएगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, पुलिस कह रही है सबूत हैं इन लोगों के खिलाफ, इन्होंने हिंसा भड़काई थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है मारने को लेकर के जो चिट्ठी सामने आई थी एक, उसमें भी इन लोगों का नाम जो है कहीं से जुड़ता दिख रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो भी आवाज उठाएगा उसकी गिरफ्तारी होगी। राहुल गांधी देश में तथ्यों से परे एनार्किज्म की बात करते हैं। देश के अंदर में दुनिया ने देखा है कि किसने इमरजेंसी जैसा शब्द का प्रयोग ही नहीं व्यवहार किया है। इनके दादी जी ने देश में आपातकाल लगाया था, जुबान बंद कर दी थी, केवल राजनीतिक दलों की ही नहीं बल्कि प्रेस का भी। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लोकतंत्र में भरोसा है और लोकतंत्र के सहारे ही काम करते हैं, लेकिन जो अपराध करेगा उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। काश राहुल गांधी अपने पिता के उस हत्या को भी ध्यान में रखते जैसे उनके पिता की हत्या की गई थी, किसके द्वारा, उसमें जिक्र भी है कि उसी ढंग से हत्या करनी है। इस देश में घटनाएं घट गई है, देश को चिंतित होना चाहिए, कानून को भी चिंतित होना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री के हत्या की साजिश के प्रति। लेकिन सर जिस तरह से राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, उन्होंने यही कहा है कि आरएसएस को छोड़कर के बाकी सभी एनजीओ को बंद कर दो, सभी कार्यकर्ताओं को जेल भेज दो और जो शिकायत करे उसको गोली मार दो, यही न्यू इंडिया है। अरे भैया, मैंने तो कहा कि आप, मैं तो बता चुका, फिर इसी पर तो बोला हूँ। उसके अलावा जो है सीताराम येचुरी हो गए या फिर बाकी जो लेफ्ट के नेता हैं वो भी लगातार यही सवाल खड़े कर रहे हैं। आज की तारीख में राहुल गांधी को खुद समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं। देश के अंदर तानाशाही रवैया उनकी दादी जी ने इमरजेंसी में लागू कर चुकी है, और जो विपक्ष है, विपक्ष के सामने में जो प्रधानमंत्री गरीबों के हित के लिए काम कर रहे हैं,
जो 40 साल में कम्युनिस्ट की सरकार बंगाल में नहीं कर पाई गरीबों के लिए, जो केरल में नहीं कर पाई, जो त्रिपुरा में नहीं कर पाया, जो कांग्रेस की शासन, आज 5-6 करोड़ महिलाओं को गैस चूल्हा दिला के कम से कम गरीबों को रोग से मुक्त कराने का काम किया। अब इनके अंदर भय है अगर मोदी रह गए तो हमारी राजनीति नहीं चलेगी, क्योंकि गरीबों का उत्थान इनका संकल्प है मोदी का। तो सुना आपने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो ये कह रहे हैं कि इस तरह की राजनीति ऐसे मामलों में नहीं होनी चाहिए। देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये जो मोदी के दुश्मन के साथ हमने सवालिया निशान लगा रखा है, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो कि दक्षिणपंथी जो विचारधारा है, खासकर नक्सलियों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर अपने मन में रखते हैं, ये काफी हाई प्रोफाइल हैसियत समाज के भीतर रखते हैं। मसलन की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, लेखक, इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता। ये हैरान करने वाली बात है कि ऐसे लोगों के मन में इतना जहर कहां से आया, या इस जहर के ये लोग इस तरह से शिकार कैसे हुए। कुछ प्रोफाइल्स हम आपके सामने रखते हैं, यानी कि कल जो 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें से कुछ लोगों का व्यक्तित्व, तो उनकी शख्सियत और समाज में किस तरह का रुतबा उनका है वो बताते हैं। सबसे पहले सुधा भारद्वाज, 30 साल से ट्रेड यूनियन नेता है। सुधा भारद्वाज छत्तीसगढ़ में मजदूरों के बीच ये काम करती है। सुधा 1978 की IIT कानपुर की टॉपर है, ये जान लीजिए आप। जन्म से अमेरिकी नागरिक थी लेकिन उन्होंने नागरिकता वापस कर दी। सुधा की प्राइमरी शिक्षा इंग्लैंड में हुई है। सुधा की मां कृष्णा भारद्वाज JNU में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में है। यूनियन लीडर शंकर गुहा नियोगी के प्रभाव में वामपंथ से जुड़ी, साल 2000 में वकील बनी, 2007 से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में वकालत कर रही है। तो गिरफ्तारी हुई है सुधा भारद्वाज की, और इस पूरे घटनाक्रम पर और जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं उस पर सुधा भारद्वाज ने क्या कहा है वो भी सुनिए। माय मोबाइल्स, माय लैपटॉप्स, माय पेन ड्राइव हैव बीन सीज्ड बाय द पुलिस एंड आई एम प्रीटी श्योर एंड आई एम रियली अप्रिहेंड दैट देयर गोइंग टू प्ले अराउंड विद माय डेटा। माय जीमेल पासवर्ड हैज बीन टेकन, माय ट्विटर पासवर्ड हैज बीन टेकन। आई रियली डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग टू डू विद ऑल दैट। तो वकील और प्रोफेसर सुधा भारद्वाज को आपने सुना, कल इनकी गिरफ्तारी हुई उन 5 लोगों में जिनको नक्सल समर्थक के तौर पर और भीमा कोरेगांव हिंसा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हत्या की साजिश के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। दूसरी शख्सियत वरावर राव, अब आपको बताते हैं वरावर राव कौन है। कवि, वामपंथी विचारक और कार्यकर्ता है, कल इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। नक्सलियों से जुड़े होने का आरोप इन पर लगातार लगता रहा है। 1973 से 1975 के दौरान जेल जा चुके हैं। हैदराबाद से इन्हें गिरफ्तार किया गया। तो हमने आपको बताया कि ये जो लोग हैं इनकी प्रोफाइल किस तरह की है, कैसे सियासत हो रही है, पुलिस किस तरह से कह रही है कि देखिए चिट्ठी मिली है, सबूत हैं, नक्सलियों का समर्थन इन लोगों ने किया है और अब जांच आगे बढ़नी चाहिए। हम सवाल उठा रहे हैं, ये शहरी नक्सली क्या इन्हें मोदी इतना चुभते हैं कि इस तरह की प्लॉटिंग और प्लानिंग की जाए, और वो जो इस केंद्र में साजिश की चिट्ठी है उसका क्या महत्व है, क्या मायने है। हमारे साथ इस चर्चा में आज की इस बड़ी खबर में दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। मैं आपको बता दूं, बीजेपी से राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम हमारे साथ हैं और कांग्रेस पार्टी से अभय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले अभय दुबे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, सीधा सवाल बीजेपी पूछ रही है कि नक्सलियों से सहानुभूति कांग्रेस पार्टी को कब से हो गई। बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है कि खुद तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सलियों को नंबर 1 दुश्मन देश का बताया था, और आज राहुल गांधी ये गिरफ्तारियां होने पर बीजेपी और RSS को कोस रहे हैं, क्यों? देखिए नेहा जी, आज जो मोदी सरकार का कृतित्व है वो इसी प्रकार का है कि जो भी उनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता है, जो भी दलितों आदिवासियों के समर्थन में खड़ा होता है, ये कोशिश करते हैं कि उनको जेल की 4 दीवारी के पीछे भेज दें। मैं बताना चाहता हूं मोदी सरकार को कि उनकी जेलों ने अभी वो लोहा पैदा नहीं किया जो इनके फौलादी इरादों का रुख मोड़ सके। क्या सुधा भारद्वाज का आरोप है? सुधा भारद्वाज का कसूर इतना है कि वो लंबे समय से उन आदिवासियों की लड़ाई लड़ रही है जिनकी नृशंस हत्या छत्तीसगढ़ में कर दी गई। आप जानती हैं 2007 में एक नरसंहार हुआ बड़ा, जिसकी लड़ाई वो लड़ रही थी, कमरगुड़ा और कारेपारा का, और 7 साल बाद उनके कारण वो मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें 12 IAS IPS ऑफिसर फंस गए। मतलब अबे दुबे जी, आप ये कह रहे हैं कि जो पुलिस कह रही है वो गलत है और जो चिट्ठी मिली है उसका कोई आधार नहीं है। नवलखा जी को हाईकोर्ट दिल्ली कहती है कि कोई सबूत आप पेश नहीं कर पाए, इसलिए ट्रांजिट रिमांड नहीं दे सकते।
मुझको हाँ। आश्चर्य हुआ, हमने अपने दो दो प्रधानमंत्री खोए हैं नेहा जी इस देश ने। हम जानते हैं कि हम किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री पर कोई आंच आए। जांच से पहले फैसला क्यों? अबे आश्चर्य तब होता है कि जांच एजेंसियों की अपेक्षा वो चिट्ठी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर मिलती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस साइमल्टेनियसली की जाती है। जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है वो कैसे बीजेपी के दफ्तर पहुंच गया? नहीं नहीं अबे दुबे जी, मेरा सीधा सवाल है और मुझे मालूम है आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। अब तो जांच हो रही है ना, मामला कोर्ट में भी मौजूद है। सवाल यह है कि बगैर जांच के जब एक चिट्ठी मौजूद है, जब पुलिस कह रही है कि नक्सलियों को समर्थन इन लोगों ने दिया है और इनके तार कहीं ना कहीं जुड़े हैं, जांच का इंतजार क्यों नहीं कर रही है कांग्रेस पार्टी? नहीं तो होगा ही, हम जांच तो होगी उसमें कोई संदेह नहीं, मगर क्या कहा कोर्ट ने? दिल्ली हाई कोर्ट ने कल कहा कि जो आपने नवलखा जी को गिरफ्तार किया है, आप ट्रांजिट रिमांड मांग रहे हैं, कुछ एविडेंस तो दीजिए, आप जो प्रमाण दे रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है। इससे क्या स्पष्ट होता है? मैंने अभी सुधा भारद्वाज जी का भी बताया, तो मोदी सरकार कोरेगांव, भीमा कोरेगांव की घटना में कहां है संभाजी भिड़े? उनको तो चीफ मिनिस्टर साहब क्लीन चिट दे देते हैं बगैर किसी ट्रायल के। और लेकर आना चाहूंगी इधर जफर इस्लाम, अभी जुड़े हैं हमारे साथ। जफर इस्लाम, आप सुन रहे हैं अभय दुबे कह रहे हैं कि जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, लेकिन हाईकोर्ट कह रहा है कि पहले सबूत तो लाइए, तब तो देंगे ट्रांजिट रिमांड। तो जिस तरह का मामला इस पूरे घटनाक्रम को बनाया जा रहा है, क्या वही सच में मामला है या कुछ और बात है, पूछ रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए, आपने शुरू में मेंशन किया नेहा जी किरण रिजिजू का ट्वीट, उन्होंने क्या लिखा है कि भाई नेशनल इंटरेस्ट से बढ़ के पॉलिटिक्स नहीं है, और वही कर रहे हैं आज राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी। उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था नक्सलाइट से और नक्सल फोर्सेस से सबसे बड़ी हमारी लड़ाई है और उसको ख़त्म करना हमारी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री की स्पीच भी 15 अगस्त की सुनाई, उन्होंने कहा कि अब सिमट के इतने हमारी कार्रवाई के वजह से अब सिमट के इतने कम डिस्ट्रिक्ट में रह गए हैं, अब हमारी लड़ाई इन लोगों से है जो उनको पनपने में मदद करते हैं, और ऐसे लोग जिनके बारे में बहुत सारे दस्तावेज और मेल्स और फैक्ट्स फिगर्स जो है पुलिस के पास, उसके बेसिस पे उन्हें गिरफ्तार किया गया है। देखिए, कोर्ट में मामला आएगा, कोर्ट में इनके पास अगर प्रूफ है या नहीं है वो ये दाखिल करेंगे, लेकिन आज मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पुलिस को और पुलिस महकमे को अपना काम करने के लिए पूरी इजाजत होनी चाहिए, पूरे उनको बिना हस्तक्षेप के उन्हें काम करने देना चाहिए। पूछ रही है क्या कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर भी सियासत कर रही है? समय में राहुल गांधी सहानुभूति ले रहे हैं, समय में नहीं, उस बिल्कुल बिल्कुल सियासत कर रहे हैं उनको। नेशनल सिक्योरिटी पे आज नहीं, वो हर बार नेशनल सिक्योरिटी से खिलवाड़ किया है इन्होंने, जो सरकार को हर बार खिलवाड़ किया है। अबे दुबे अच्छे से जानते हैं, कई बड़े लीडर, मैं फिर आपके पास आती हूं। अबे दुबे अच्छे से जानते हैं, कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या कहा ये सुन लीजिए। अब दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस एस मुरलीधर, जस्टिस विनोद गोयल की बेंच ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस ने दस्तावेज सौंपे, उनसे ये पता नहीं चलता कि नवलखा को ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने की अनुमति दी जाए। अब आप जानते हैं क्या, मुझे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। पिछली बार जब प्रधानमंत्री के लिए आपने कहा कि उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा है और पत्र जांच एजेंसियों ने जब्त किया है, आप जानते हैं वो उसकी गंभीरता, वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, बीजेपी के कार्यालय में उसी क्षण पहुंच गया जिस पर आपने प्रेस वार्ता की। क्या कोई नोटिस बीजेपी को भेजा उन्होंने? जफर इस्लाम साहब, कांग्रेस पार्टी को इस बात से तकलीफ है कि प्रधानमंत्री की साजिश की चिट्ठी पब्लिक कैसे हो गई, लीक कैसे हो गई, क्या ये किसी सुनियोजित प्लानिंग के तहत हुआ? जफर इस्लाम साहब जल्दी से। नेहा जी बड़े दुख के साथ कहना चाह रहा हूं कि इनके अपने लोग शुक्ला जी भूल गए, ये नक्सल हादसे में ही उनकी देहांत हुआ है और इनके कई बड़े नेता लोगों को मारा गया था छत्तीसगढ़ में, उसके बावजूद प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है। राजीव गांधी को हमसे ज्यादा कोई दर्द नहीं जान सकता कि उसी तरह से भी हम उसके बेसिस पे उसको भी ये पॉलिटिक्स पे नहीं, उसको भी ये पॉलिटिकल
पॉलिटिकल हथकंडे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। अरे भाई, दूध पानी का पानी कौन करेगा? प्रधानमंत्री के बारे में अगर कोई मैं सीधा सवाल आप दोनों नेताओं से पुलिस को काम करने दीजिए। ये तो पुलिस और कोर्ट तय करेंगे नहीं करेंगे। हम क्या पहले से ही फैसला सुना सकते हैं कि निर्दोषों को फंसाया गया है या जो दोषी है उनको उन पर कार्रवाई की जा रही है? तो ये सवाल उठ रहा है कि ऐसे मुद्दों पर सियासत क्यों हो रही है और कौन कर रहा है? देखिए, गिरफ्तारी की जो वजह बताई गई है वो इस साल जून में भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी रोना विल्सन के घर से मिली एक चिट्ठी है। चिट्ठी का मजमून आप तक पहुंचाए उससे पहले नक्सली हिंसा में गिरफ्तारी पर बड़ी अपडेट दे दें। भीमा कोरेगांव हिंसा को लेकर देश में 7 जगह छापे पड़े, बड़े स्तर पर यह छापेमारी हुई। छापेमारी में 5 लोग गिरफ्तार किए गए जो समाज में खासा रुतबा रखते हैं, बेहद प्रतिष्ठित लोग आप इन्हें कह सकते हैं। दिल्ली के प्रोफेसर सुधा भारद्वाज को गिरफ्तार किया गया। सुधा भारद्वाज ने अपनी भूमिका से इनकार किया है लेकिन पुलिस कह रही है उनके खिलाफ सबूत हैं। प्रोफेसर सुधा भारद्वाज को फिलहाल नजरबंद किया गया है। हैदराबाद से लेखक वरावर राव गिरफ्तार किए गए हैं, ये भी एक बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। मुंबई से वर्नन गोंसाल्विस को गिरफ्तार किया गया है। जो 5 गिरफ्तारियां हुई हैं उन लोगों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ठाणे से अरुण फरेरा को गिरफ्तार किया गया है। कल ये तमाम गिरफ्तारियां हुई हैं और नक्सली हिंसा में इन गिरफ्तारियों में दिल्ली के गौतम नवलखा को दिल्ली नहीं छोड़ने का निर्देश फिलहाल दिया गया है। तो ये नक्सली हिंसा में गिरफ्तारी पर अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और ये हम आपको बता दें कि ये जो गिरफ्तारी की वजह है इसके पीछे एक चिट्ठी जो जब सामने आई थी तो उससे सियासी हलकों में हड़कंप मच गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश के बाद इस चिट्ठी में सामने आई थी। देखिए, भीमा कोरेगांव हिंसा से कैसे इन 5 लोगों की गिरफ्तारियां जुड़ी हैं उसे जानने के लिए देखिए हमारे संवाददाता गणेश ठाकुर की ये रिपोर्ट। 1 जनवरी 2018 को पुणे के भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई। इस हिंसा में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, एक व्यक्ति की मौत भी हुई। इसके बाद पुणे पुलिस ने प्राध्यापक शोमा सेन, वकील सुरेंद्र गडलिंग, सुधीर ढवले, रोना विल्सन और महेश राउत को गिरफ्तार किया। इन 5 लोगों की पूछताछ में ही अब गिरफ्तार 4 लोगों के बारे में जानकारी मिली। ये जानकारी पुलिस को इनके बीच एक्सचेंज किए गए ईमेल्स के जरिए मिली। पुणे पुलिस का दावा है कि पहली 5 गिरफ्तारी के बाद रोना विल्सन के दिल्ली स्थित घर से एक खत मिला जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश का खुलासा हुआ। इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को माओवादियों की तरफ से एक धमकी भरा पत्र भेजा गया। पुलिस का दावा है कि इन्हीं लोगों ने यह पूरी साजिश रचने के साथ साथ मुख्यमंत्री को धमकी भरा पत्र भेजने की साजिश रची। अब पुलिस फिलहाल गिरफ्तार इन 4 लोगों से भी इस बारे में पूछताछ करने जा रही है। और देखिए, जो 5 गिरफ्तारियां हुई हैं इनके पीछे कहीं ना कहीं एक चिट्ठी को भी वजह बताया जा रहा है। वो चिट्ठी जो कि इसी साल भीमा कोरेगांव में जो हिंसा हुई थी उसके आरोपी रोना विल्सन के घर से मिली। इस चिट्ठी में लिखा गया है, प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बीजेपी बिहार और बंगाल को छोड़ करीब 15 से ज्यादा राज्यों में सत्ता में आ चुकी है। अगर इसी तरह से ये रफ्तार आगे बढ़ती रही तो माओवादी पार्टी को खतरा हो सकता है, इसीलिए वो सोच रहे हैं कि एक और राजीव गांधी हत्याकांड की तरह घटना की जाए। मोदी की हत्या की साजिश की ये चिट्ठी, जिसके बाद जैसे कि हमने आपको बताया सियासी पारा भी बहुत ज्यादा चढ़ गया था। अब देखिए, बहुत बड़ी बात है देश के प्रधानमंत्री को लेकर के अगर इस साजिश को लेकर ऐसी चिट्ठी सामने आती है जो कि सामने आई है, पुलिस उसको एक अहम चिट्ठी, अहम सुराग मान रही है। और कांग्रेस पार्टी के लिए ये और अहम है क्योंकि उस चिट्ठी में साफ लिखा है कि राजीव गांधी जैसे हत्याकांड की प्लानिंग। तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि फिर इस पर राहुल गांधी सवाल क्यों उठा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी इस पूरे घटनाक्रम के बाद, इन 5 गिरफ्तारियों के बाद क्या कह रहे हैं उन्हें सुनते हैं। देयर आर सर्टेन एक्शंस दैट आर बीइंग टेकन एट द नेशनल लेवल बाय द गवर्नमेंट व्हिच आर अनडेमोक्रेटिक एंड वी आर फाइटिंग दैट बैटल। द ऑपोजिशन इज यूनाइटेड इन फाइटिंग दैट बैटल। देयर आर टू डिफरेंट विजन्स ऑफ इंडिया। वन इज ए सेंट्रलाइज्ड vision and the other is a decentralized vision. One respects only one ideology based out of Nagpur and the other respects all the different states, all the different ideas, all the different cultures, all the different people in this country. So that fight is on and I assure you that we are fighting that fight.
हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अभय दुबे हमारे साथ हैं और मैं आपको बता दूं हमारे साथ बीजेपी से जफर इस्लाम साहब लगातार बने हुए हैं। अभय दुबे जी, देखिए ये सवाल क्यों ना पूछा जाए कि ये मामला भीमा कोरेगांव की हिंसा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश से जुड़ा हुआ साफ नजर आ रहा है। पुलिस फिलहाल ये मान रही है और जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन ये सवाल कांग्रेस पार्टी से क्यों ना पूछा जाए कि इसमें भी बिना जांच पूरी हुए आप लोग राजनीति कर रहे हैं और पहला हमला आपको बीजेपी आरएसएस पर ही करना है जो आप कर रहे हैं। देखिए नेहा जी, अतिवादी विचारधारा को स्वीकार कतई नहीं किया जा सकता। पहले भी मैंने कहा कि हमने अपने बड़े मूर्धन्य नेताओं को खोया है, इसलिए उस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। इस प्रकार के किसी षड्यंत्र को सफल नहीं होने देना, ये तो सरकार का दायित्व है ही। मगर जब अप्रामाणिक रूप से आप राजनीतिक द्वेष को लेकर अगर गिरफ्तारियां करते हैं तो सवाल खड़े होंगे, क्या इस देश में दलितों की चौराहे चौराहे पर प्रताड़ना नहीं हो रही मोदी सरकार की सरपरस्ती में? उसके खिलाफ आवाज को बुलंद करना यह अधिकार प्रतिपक्ष का है। आप सच्चाई जानती हैं, 18 लाख वनाधिकार के पट्टे आदिवासियों के निरस्त कर दिए गए और सबसे बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ और इसका भगाया जा रहा है। अबे दुबे जी, आपकी तमाम बातों को मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन मुझे ये बताइए तो फिर हम बगैर जांच के ऐसा जो कह रहे हैं राहुल गांधी, जो कह रहे हैं कि भाई दो विचारधारा है, आप भी कह रहे हैं एक अतिवादी है एक विपक्ष एकजुट होकर के केंद्र की जो विचारधारा है आरएसएस की विचारधारा उससे लड़ रहा है। सर इसमें विचारधाराएं कहां से आ रही है? ये मामला तो भीमा कोरेगांव और प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जांच पूरी क्यों नहीं होने दी जा रही? मेरा सीधा सवाल ये है, उससे पहले ही निष्कर्ष क्यों? बिल्कुल बिल्कुल होने, जांच को रोकने का कोई प्रश्न ही नहीं, ना हम कोई उसमें अड़चन पैदा करना चाहते हैं। मगर अगर खुद हाई कोर्ट ये कहता है कि आपके पास एविडेंस नहीं है, इसका क्या अर्थ होता है? नेहा जी, अगर प्रथम दृष्टिया ही जिसको गिरफ्तार किया गया और न्यायालय खुद ये कह रहा है कि आपके पास पर्याप्त सबूत ही नहीं है गिरफ्तारी के लिए, ट्रांजिट रिमांड नहीं, बताइए जफर इस्लाम साहब की कोशिश कीजिए। मैंने गंभीर प्रश्न खड़ा किया कि बहुत गंभीर दस्तावेज होता है, इतने सबूत भी नहीं है कि आप ट्रांजिट रिमांड ले सके। ठीक है, बीजेपी हेड ऑफिस कैसे मिला ये बताना चाहिए उनको। जफर इस्लाम जी बताइए, जवाब दीजिए। देखिए नेहा जी ये इन्वेस्टिगेशन भी यही कर रहे हैं, सुनवाई भी यही कर रहे हैं, अदालत भी यही बन गए हैं और जजमेंट भी यही दे रहे हैं। मैं पूछता हूं कि अदालत से क्या कांग्रेस पार्टी से मांगा है दस्तावेज के पुलिस महकमे से मांगा है? आप ये बता दीजिए कि वो पत्र आपके पास कैसे आया जो प्रधानमंत्री जी ने इस्लाम साहब को एक मिनट फिर आपके पास आऊंगी। दुबे जी आपने सवाल उठाए हैं, जवाब सत्ता पक्ष को देने दीजिए, तभी आप काउंटर पूछ पाएंगे। बोलिए इस्लाम साहब, मैं जाऊंगी मैं दुबे जी के पास। मैं कह रहा हूँ कि हम किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करते हैं महकमे से, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करती है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने डिस्चार्ज करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को एक ही काम करना चाहिए कि अगर पुलिस कुछ काम कर रही है तो उसके उस पर किसी तरह का रोड़ा ना बन के आए। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, पॉलिटिकल इस चीज में ही पॉलिटिक्स करना चाहती है, इसको भी पॉलिटिकल दाव पेच में फंसाना चाहती है कि जो लोग षड्यंत्र रच रहे थे उनके साथ इनकी जो है इनके हिमायती बन गए, गोली मारो। और ये आप लोगों का न्यू इंडिया है, ये राहुल गांधी सीधे कह रहे हैं। ये इमरजेंसी हमने लगाई थी, इमरजेंसी लगाने वालों को एक शोभा देता है बात करना, जिन्होंने पूरे 70 साल में किसी को इतिहास से रहने नहीं दिया, लेना बंद कीजिए, कब तक मुखौटा लगाएंगे इतिहास की घटनाओं का? नहीं, आज की बात अरे आज जो अन्याय कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप पुलिस को अपना काम करने दीजिए, एजेंसी को अपना काम करने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आप ही के बारे में कहा था कि केस पैरट ये आप लोग कर सकते हैं कि इस्तेमाल कर क्या सकते ये हैं, सच्चाई नहीं हम है नहीं करते हैं कि कमर गुलाट की जो सात आदिवासियों की आपके पास काम कर रहे जो 5 गिरफ्तारियां हुई है जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो गए हैं, इन्हें लेकर महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री क्या कह रहे हैं उन्हें सुनना बेहद जरूरी है। वो क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
इसमें और भी लोग मिल सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद, और जब तक हमारे सरकार के पास या पुलिस डिपार्टमेंट के पास ठोस सबूत नहीं रहते तब तक हम ये सब नहीं कर सकते। और ऐसे नहीं, हमारा पूरा डिपार्टमेंट एक है, चाहे वो पुणे में कार्रवाई हो तो हमारे नागपुर में गढ़चिरौली के भी जो ऑफिसर्स हैं उनके पास भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो पुलिस डिपार्टमेंट के पास हर एक की इन्फॉर्मेशन रहती है, अप्रोप्रिएट टाइम आने के बाद हम लोग उनको यूज भी करते हैं और अरेस्ट भी करते हैं, क्योंकि कुछ प्रूफ चाहिए ना। दुबे साहब, सुना आपने, ये सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है, मतलब कहीं तो हमें रेखा खींचनी पड़ेगी ना, कि अगर सरकार कह रही है तो कम से कम उसे जांच की कसौटी पर देख लिया जाए। जो बार बार आप कह रहे हैं कि ट्रांजिट रिमांड नहीं मिल पाई, सर वो फौरी राहत है ना, अदालत ने अपना फैसला थोड़े ही सुना दिया इन 5 गिरफ्तारियों पर। नहीं देखिए वो तो ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चलेगा नेहा जी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन गृह मंत्री जी अगर टेलीविजन पर कहते हैं कि प्रमाण है तो न्यायालय को भी तो प्रतीत होना चाहिए कि हाँ पुख्ता प्रमाण है। न्यायालय ने प्रथम दृष्टि में देखकर क्यों कहा, महाराष्ट्र पुलिस को ही कहा। अरे भाई, आपको क्या बेचैनी हो रही है? गृह मंत्री जी बयान दे रहे हैं, उन्हीं को मैं बताता हूँ उन्होंने कहा। मुझको ये बताइए, मुझे क्यों बेचैनी हो रही है? आप क्या इस सच्चाई को स्वीकारेंगे नहीं? सुधा भारद्वाज का आरोप सिर्फ ये है कि वो वहाँ रमन सिंह सरकार के खिलाफ आदिवासियों के पक्ष में लोहा लिए हुए हैं। ये बहुत अहम मामला है, हम एक तरफ नक्सलियों की बात कर रहे हैं, एक तरफ भीमा कोरेगांव हिंसा की बात कर रहे हैं, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश की बात कर रहे हैं। प्लीज इसमें इतनी राजनीति ना की जाए। एक मिनट देखिए, एक मैं अपडेट अहम दे दूं आप दोनों मेहमानों को और हमारे दर्शकों को भी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एक्टिविस्ट गौतम नवलखा जिनकी कल गिरफ्तारी हुई, जो 5 लोग जिनको गिरफ्तार किया गया उसमें हम बता दें आज दोपहर 2 बजे कोर्ट में सुनवाई होनी है। 2:15 पर दिल्ली हाईकोर्ट में गौतम नवलखा मामले की सुनवाई होगी। जो 5 लोग कल गिरफ्तार किए गए हैं अलग अलग जगहों से, उनमें एक है एक्टिविस्ट गौतम नवलखा। सीधे रुख करना चाहेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता का। अंकित, इस खबर पर आपके पास और क्या जानकारी? जी बिल्कुल, अभी आपसे कुछ मिनटों पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी, लेकिन जो सरकारी पक्ष के वकील हैं उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस मामले में जो FIR दर्ज की गई है वो क्योंकि मराठी भाषा में है और उसका जो है हिंदी और अंग्रेजी अनुवादन किया जा रहा है, यानी कि ट्रांसलेशन किया जा रहा है। और जो शिकायतकर्ता थे यानी कि जो है नवलखा की जो वकील थी, उनका ये कहना है, गौतम नवलखा के वकील का कहना था कि उनके पास FIR की कॉपी तक नहीं है तो वो अपने केस को कैसे कोर्ट के सामने रख सकती हैं। जिसके बाद में सरकारी पक्ष ने कहा है कि वो अभी जो है आगे आधे से 1 घंटे के अंदर FIR की कॉपी दे देंगे। जिसके बाद में कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, अब इस मामले की सुनवाई 2:15 करेंगे, जब दोनों ही पक्ष अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखेंगे। शुक्रिया आपका अंकित, इस पूरी जानकारी के लिए। तो गौतम नवलखा जिनकी कल गिरफ्तारी हुई, उस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज दोपहर 2:15 सुनवाई होगी और जो दोनों पक्ष हैं वो अपनी दलीलें रखेंगे। लेकिन इस बीच वरिष्ठ वकील क्या कह रहे हैं सुनते हैं। CPM महासचिव प्रकाश करात को एक बार सुनते हैं। इन्वॉल्व्ड वेल नोन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, लेफ्ट इंटेलेक्चुअल्स, सम ऑफ देम हैव बीन अरेस्टेड। दिस इज अ ब्रेजन अटैक ऑन डेमोक्रेटिक राइट्स। वी आर डिमांडिंग दैट all the cases against these people be withdrawn and they be released forthwith. Lekin what, why government targeting these people? Well, they've been targeting everybody, and the entire opposition is targeted. Anybody who opposes anything of the Hindutva forces and the Modi government, they are being targeted. But sir, jis tarah se Pune mein ki Algar Parishad ki meeting ko lekar, jis tarah se ko lekar pure desh mein ek chhapemari chal rahi hai Pune police ki, wo ek दलित मुद्दे पर वहाँ प्रदर्शन हुआ था और देश के तमाम दलित एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट उसमें भाग लिए थे, उसको समर्थन किया था, उन पर हमला हुआ था। जो हमले किए थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं है, और जो वकील इन केसेस में दलित एक्टिविस्ट के केसेस को टेकअप कर रहे हैं उनको गिरफ्तार कर रहे हैं और उनको माओवादी कह रहे हैं, तो ये सरासर झूठ है, ये झूठा केस है। हम इसको वापस करने के लिए मांग करते हैं, और जिनको अरेस्ट किया गया है ये यही लोग नहीं, उनके पहले 4 और लोगों को अरेस्ट किया था, उनको रिहा करना चाहिए। इसके जरिए सरकार मैसेज क्या देना चाहती है? तो सुना आपने प्रकाश करात को, CPM के नेता प्रकाश करात, जो कह रहे हैं गिरफ्तारी लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है, जो गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें रिहा किया जाए, और विपक्ष पर हिंदुत्व ताकतों का दबाव बनने का भी उन्होंने आरोप लगाया कि जो हिंदुत्व ताकतों के खिलाफ या मोदी सरकार के खिलाफ बोले उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। विपक्ष पर हिंदुत्व ताकतें हमला कर रही हैं, CPM नेता प्रकाश करात कह रहे हैं ये बदले की कार्रवाई है। और इस बीच
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कह रहे हैं, उन्हें भी सुनते हैं। इस तरह से अगर आप ऐसे ऐसे लोगों को अरेस्ट करेंगे और ऐसे और जो जो लोग उस भीमा कोरेगांव में इन्वॉल्व थे, वो सांबाजी ब्रिगेड, सांबाजी भिड़े वगैरह, उन लोगों को आपने कुछ नहीं किया? जिन लोगों ने दलितों के ऊपर हमला किया भीमा कोरेगांव में, उनको आपने छोड़ रखा है और इस तरह के एक्टिविस्ट को आप अरेस्ट करते जा रहे हैं या उनके ऊपर रेड करते जा रहे हैं? ये तो बिल्कुल इमरजेंसी से भी बदतर हालत हो गई, बिल्कुल फैब्रिकेटेड। और इस तरह से चला चला के लोगों को अर्बन माओस कह कह के आप किसी को भी अरेस्ट करते जाएं जस्ट बिकॉज वो मोदी सरकार को अपोज कर रहे हैं या उसकी ये जो फासीवादी नीतियां हैं उसको अपोज कर रहे हैं या लोगों के ह्यूमन राइट्स के लिए खड़े हो रहे हैं? बिल्कुल साफ है कि जो जो लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं और जो सरकार के द्वारा सताए जा रहे हैं लोग, उनके लिए जो लोग खड़े हो रहे हैं, उनको हैरेस करना, उनको इंटिमिडेट करना, उनको उनका उनको साइलेंस करने के लिए सब किया जा रहा है। देखिए, और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंच गया है। जी हां, 5 गिरफ्तारियों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बड़ी जानकारी यह मिल रही है कि अभिषेक मनु सिंघवी और प्रशांत भूषण सिंह के वकील इसे सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंच गए हैं। गिरफ्तारी का मामला बहुत बड़ा होता हुआ देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और 4:15 बताया जा रहा है कि इस मामले में दखल की जो अपील है उसकी सुनवाई हो सकती है। सीधे रुख करेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल का। निपुण, क्या और जानकारी आपके पास? लेकिन नेहा, कुछ वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे इस मामले को लेकर। हालांकि कोर्ट ने चूंकि दूसरे मामलों की सुनवाई जारी थी इसलिए उस वक्त उसे नहीं सुना, लेकिन ये कहा है कि दोपहर 3:45 पे, यानी कोर्ट की नियमित कार्रवाई खत्म होने से 15 मिनट पहले इस मामले को दोबारा मेंशन करें, यानी इसका उल्लेख करें कोर्ट के सामने। तो निश्चित रूप से कोर्ट ने इसे सुनने को लेकर एक इच्छा जताई है और दोपहर में 3:45 पर इस मामले को सुना जाएगा। वकीलों का मुख्य रूप से कहना है कि गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तारी की गई है और जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनकी आवाज का दमन करने की कोशिश सरकार कर रही है। जी निपुण, बहुत संक्षेप में इसकी 3:45 पर इस केस की मेंशनिंग हो और इसे सुना जाए, क्या 3:45 पर आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी? जरा स्थिति स्पष्ट करें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल 3:45 पर मामले पर सुनवाई होगी। हालांकि कोर्ट अपनी तरफ से कोई आदेश देगा या नहीं इसे लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोपहर में हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है इस मामले की। तो कोर्ट सारे पहलुओं की जानकारी लेगा और अगर कोई आदेश देना जरूरी होगा तो आदेश भी जारी करेगा, लेकिन कोर्ट ने एक इच्छा जताई है इस मामले को देखने की और इसी वजह से अपने आप में बहुत बड़ी खबर हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया निपुण सहगल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 5 गिरफ्तारियों का मामला अब देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और आज दोपहर 3:45 पर इस मामले की मेंशनिंग के साथ इस पर होगी सुनवाई। नजर हमारी रहेगी कि अब अदालत इस पर क्या कहती है, जब सियासी गलियारों में राजनीति बहुत तेज हो गई है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।